सो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज हमारे पास एक ऐसा वैक्यूम क्लीनर जो कि अमेरिकन माइक्रोनिक की तरफ से आता है, जो आपके घर में इतने अच्छे से सफाई करेगा। नॉर्मल घर नहीं, अगर आपका बहुत बड़ा घर भी है और आपको सोफा भी साफ करना है, पेट हेयर्स, क्रम्स, कुछ भी क्लीनिंग करनी है, भले ही ड्राई क्लीनिंग करनी हो या वेट क्लीनिंग करनी हो, तो ये वैक्यूम क्लीनर आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, कैसे इसमें फीचर्स है और किस तरीके से ये काम करता है, उसी बारे में ये वीडियो होने वाली है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत चौधरी, आप देख रहे हैं प्रोडक्ट बाजार। लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। गाइस, एक वैक्यूम क्लीनर होना घर में बेहद जरूरी है, क्योंकि वैक्यूम क्लीनर से हम उस तरीके की सफाई कर सकते हैं जो हम झाड़ू से कभी भी नहीं कर सकते। इवन घर के उन कोने में हम इजीली पहुंच सकते हैं जो झाड़ू से साफ करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लेकिन वैक्यूम क्लीनर को लेने से पहले ना बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो हमें जानना जरूरी होती है, क्योंकि वैक्यूम क्लीनर तो हम परचेज कर लेंगे, लेकिन अगर उस वैक्यूम क्लीनर में किसी एक भी फंक्शन की कमी हुई तो दैट विल बी ए कंप्लीटली यूजलेस प्रोडक्ट फॉर यू। इसीलिए हम ये वैक्यूम क्लीनर आपके लिए, अब इस वैक्यूम क्लीनर में क्या फीचर्स हैं, कैसे काम करता है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। सो हेयर इज द वैक्यूम क्लीनर, और दिखने में तो काफी क्लासिक सा और सोलिड वैक्यूम क्लीनर ये डेफिनेटली लग रहा है। एंड इसके साथ में आप लोगों को बहुत सारे अलग अलग तरीके के अटैचमेंट्स भी मिल जाते हैं, जो कि बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं। और अब गाइस, वैक्यूम क्लीनर में सबसे जरूरी चीज कौन सी होती है? मेन काम होता है वैक्यूम क्लीनर का सफाई करना, तो वैक्यूम क्लीनर की जो सक्शन कैपेसिटी है ना, वो अच्छी होनी चाहिए। विद दैट जो मोटर होता है वैक्यूम क्लीनर का, वो भी काफी बढ़िया पावर प्रोवाइड करने वाला होना चाहिए। यहाँ पे मार्केट में आप लोगों को कुछ गिमिक्स मिल जाएगी, बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होंगे जिनकी जो मोटर होगी वो फुल एफिशिएंसी पे काम करेगी, आपको ठीक ठाक सक्शन कैपेसिटी भी दे देगी, लेकिन टाइम होते होते वो वैक्यूम क्लीनर गर्म होने लग जाएगा और उसमें से आप लोगों को जलने की बदबू आने लग जाएगी। गाइज, ये वैक्यूम क्लीनर आता है अमेरिकन माइक्रोनिक की तरफ से। अब अमेरिकन माइक्रोनिक एक यूएसए बेस्ड ब्रांड है एंड वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड होम अप्लायंसेस ब्रांड है। अमेरिकन माइक्रोनिक की अच्छी बात यह कि इसके आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, प्रीमियम प्रोडक्ट्स आप लोगों को बजट फ्रेंडली प्राइस में अमेरिकन माइक्रोनिक प्रोवाइड कराते हैं। एंड इंडिया में हर जगह आप लोगों को अमेरिकन माइक्रोनिक की सर्विस भी इजीली अवेलेबल मिल जाएगी। अब इस वैक्यूम क्लीनर में ऐसा क्या है जो हम आपके सामने लेकर आ गए? सबसे पहली चीज जो मुझे पर्सनली नोटिस हो रही है ना, वो हो रही है इसकी बिल्ड क्वालिटी। काफी बढ़िया सॉलिड बिल्ड क्वालिटी है, एबीएस प्लास्टिक बॉडी का ये बना हुआ है, टूट फूट होने के इसमें चांसेस नहीं है। पर से आप देख सकते हो, उसको आप रोटेट भी कर सकते हो, मूव भी इजीली कर सकते हो, उसमें 360 डिग्री स्वाइवल व्हील आप लोगों को मिल जाएंगे। अच्छी बात इस वैक्यूम क्लीनर में गाइज ये है कि इसमें आप लोगों को 1600 वोट का पावरफुल मोटर मिलता है, जो आप लोगों को 28 किलो पास्कल की सक्शन कैपेसिटी प्रोवाइड कराता है। अब ये सेम मोटर आप लोगों को 32 या 35 किलो पास्कल की भी कैपेसिटी प्रोवाइड करा सकता है, लेकिन उससे दिक्कत पता क्या होगी, 1600 वोल्ट का मोटर अगर अपनी पूरी पीक पावर आप लोगों को देगा तो उसका जलने का, गर्म होने का या खराब होने का खतरा बना रहता है। तो ये जो अमेरिकन माइक्रोनिक ने इसमें मोटर लगाया है, ये मोटर बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट है और इतनी एफिशिएंसी के साथ में आप लोगों को काफी बढ़िया 28 किलो पास्कल की सक्शन कैपेसिटी प्रोवाइड कराता है। अब जिन लोगों को नहीं पता उन्हें मैं बता देता हूं, 28 किलो पास्कल इज मोर देन इनफ टू सक आउट एनी काइंड ऑफ डस्ट फ्रॉम एनीवेयर, भले ही आपका घर हो, ऑफिस हो, कहीं से भी आप लोगों को सफाई करनी हो, दिस प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी वर्क सो मच बेटर फॉर यू। 6 kg का इसका वेट है और काफी ज्यादा स्टर्डी एंड सॉलिड डिजाइन बिल्ड क्वालिटी आप लोगों को इसकी मिलने वाली। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, आप इससे वेट सरफेसेस भी क्लीन कर सकते हैं एंड ड्राई सरफेसेस भी डेफिनेटली क्लीन कर सकते हैं। इसमें आप लोगों को मल्टीपर्पज ब्लोअर फंक्शन भी मिलता है, और ब्लोअर फंक्शन होना एक वेट एंड ड्राई वैक्यूम क्लीनर में बहुत ही ज्यादा जरूरी है और अच्छी चीज भी है, क्योंकि घर में बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहां पे हम इजिली नहीं पहुंच सकते, तो वहां पर आप लोगों को ब्लोअर का इस्तेमाल करना पड़ता है सारी डस्ट वहां से हटाने के लिए। तो ये वैक्यूम क्लीनर आप लोगों के लिए उस तरीके से भी काफी अच्छे से काम करेगा। अच्छी बात यह है कि इस वैक्यूम क्लीनर में आप लोगों को रीयूजेबल डस्ट बैग मिलता है, जिसको आप बार बार रीयूज कर सकते हो, आपको चेंज करने की जरूरत नहीं होगी। एंड 15 लीटर की कैपेसिटी में ये वैक्यूम क्लीनर आप लोगों को मिलेगा। 15 लीटर का मतलब यह है कि आप पूरे घर को एक बार नहीं, कई बार इस वैक्यूम क्लीनर से साफ कर सकते हैं। खैर, इसको खोल के देखते हैं। तो इसको ओपन करने के लिए इजीली आपको यहां से कुछ इस तरीके से इसको ओपन करना पड़ेगा। एंड हेयर इज द फिल्टर, ये आपको मिलता है अमेरिकन माइक्रोनिक में। ये जो आप नीचे की तरफ देख पा रहे हो, दिस इज हेपा फिल्टर, और ये काफी बढ़िया हाई एफिशिएंसी वाला हेपा फिल्टर है, जो कि काफी लंबे टाइम तक आप लोगों के काम में आने वाला है। एंड इसके व्हील्स और कुछ अटैचमेंट्स आप लोगों को अंदर भी मिल जाते हैं, इनको हम बाद में कनेक्ट करेंगे।
बट दिस इज द रियूजेबल डस्ट बैग जिसको आप बार बार यूज कर सकते हो। इसको सिंपली आप लोगों को उसमें कनेक्ट करना है एंड यू आर रेडी टू गो। सिंपली यहां से आप ओपन करके इसको कनेक्ट कर सकते हैं एंड इसको जिप भी कर सकते हैं। जितनी भी डस्ट होगी आप लोगों की इस बैग में कलेक्ट हो जाएगी और आप इसको खाली कर सकते हो, उसके बाद में इसको वॉश करके रीयूज भी कर सकते हो। ये काफी अच्छी चीज है एंड काफी बजट फ्रेंडली रहते हैं ऐसे वैक्यूम क्लीनर्स। एंड गाइज लुक एट दिस, आपको इसमें काफी बढ़िया 15 लीटर की कैपेसिटी मिलती है। जैसे कि मैंने कहा था कि आप अपने घर में कई बार सफाई कर सकते हो इस वैक्यूम क्लीनर को यूज करके। तो यहाँ पर आपको कुछ नोजल्स और इसके जो स्वाइवल व्हील्स है वो और मिल जाते हैं, जिनको आप इसके नीचे इजीली कनेक्ट कर सकते हो। आपको सिंपली ऐसे ही प्लग करने हैं एंड इट इज ऑल सेट टू गो। बेसिकली 360 डिग्री स्वाइवल व्हील्स आप लोगों को मिलते हैं, जिससे क्या होगा कि आप इसको इजीली कहीं पर भी मूव कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। और एक अच्छी बात मुझे इस वैक्यूम क्लीनर की और लगी कि इसमें आप लोगों को काफी लंबी 5 मीटर की केबल लेंथ मिल जाती है। मतलब घर के एक कोने पर लगाकर आप इस वैक्यूम क्लीनर को दूसरे कोने पर ले जा सकते हैं और इजीली पूरे घर को एक बार में ही साफ कर सकते हैं। सो गाइस, इस वैक्यूम क्लीनर को हम यूज करके देख चुके हैं और ये वैक्यूम क्लीनर बहुत ही तगड़े तरीके से काम करता है। इससे आप अपनी अपहोल्स्ट्री भी साफ कर सकते हैं, सोफा क्लीनिंग भी कर सकते हैं, कारपेट क्लीनिंग कर सकते हैं, या हार्डवुड फ्लोर्स होते हैं उनको भी काफी आसानी से साफ कर सकते हैं। बहुत से लोग पूछते हैं मुझसे कमेंट करके कि ऐसा कौन सा वैक्यूम क्लीनर है जिससे हम सारे काम लगभग कर सकते हैं। तो यस, दिस कैन बी द परफेक्ट ऑप्शन फॉर यू, बिकॉज अगर आपको पेट हेयर्स क्लीन करने हो तो ये आप डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हो। इसके अलावा कार क्लीनिंग के लिए भी ये डेफिनेटली एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट हो सकता है। और यही नहीं, आप लोगों को भले ही वेट क्लीनिंग करनी हो वाटर वाली, या ऑयल क्लीनिंग करनी हो, या किसी भी तरीके की लिक्विड क्लीनिंग करनी हो और अच्छे से क्लीन करने का रीजन ये है कि 28 किलो पास्कल की सक्शन कैपेसिटी मिलती है, जो कि बहुत ही ज्यादा होती है, और किसी भी तरीके की डस्ट को इजीली सक आउट करने के लिए 28 किलो पास्कल की सक्शन कैपेसिटी इज मोर देन इनफ। वैसे एक बात तो हमें यहाँ पे माननी पड़ेगी कि अमेरिकन माइक्रोनिक ने ना खूब सारे अटैचमेंट्स आपको दे रखे हैं। किसी भी तरीके की क्लीनिंग हो उससे रिलेटेड अटैचमेंट आप लोगों को उसमें मिल जाएगा। और एक और अच्छी बात मुझे ये लगी कि इनके जो नोजल्स हैं उनका काफी ज्यादा एरोडायनेमिक डिजाइन, और ये एरोडायनेमिक डिजाइन होने की वजह से ये जो पाइप्स होते हैं, अटैचमेंट्स होते हैं, ये मैक्सिमम डस्ट को सक आउट करते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि घर में कई कॉर्नर या कई ऐसी जगह होती है जहां पर हम इजिली नहीं पहुंच पाते, या अगर कोई नॉर्मल अटैचमेंट्स हो तो वो इजीली जो डस्ट होती है उसको सकआउट नहीं कर पाते। बट दैट इज नॉट द केस। इसमें एक और अच्छी बात है कि इसमें आप लोगों को 5 फीट लॉन्ग होस पाइप लेंथ मिलती है और 5 मीटर की इसकी कॉर्ड लेंथ आपको मिलती है। मतलब किसी भी तरीके की सफाई आपको करनी हो, एक बार कनेक्ट करके मेन प्लग से आप इसको काफी दूर तक ले जा सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये अब कनेक्ट हो चुका है और अब इसमें आप कोई भी अटैचमेंट अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। आप लोगों को 2 इस तरीके के 1.5 फीट लॉन्ग एक्सटेंशन पाइप भी मिल जाते हैं, जिनको आप इजीली इसमें कनेक्ट कर सकते हैं एंड इसकी लेंथ को इजीली इस तरीके से बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद में आप इसमें आगे कोई भी अटैचमेंट लगा सकते हैं। अगर आपको नॉर्मल क्लीनिंग करनी है तो आप इस तरीके का अटैचमेंट लगा सकते हैं, फ्लोर क्लीनिंग करनी है तो आप इसको यूज कर सकते हैं, एंड इसके साथ में आप लोगों को फ्लोर कम कारपेट क्लीनिंग ब्रश भी मिल जाता है, वेट क्लीनिंग ब्रश भी मिल जाता है विद 2 सेपरेट माउथ्स, अपहोल्स्ट्री नोजल, क्रेविस नोजल, वॉशेबल डस्ट बैग एंड हेपा फिल्टर जो मैंने आप लोगों को दिखाया, ये सारी चीजें आप लोगों को इस वैक्यूम क्लीनर में मिल जाएगी। एंड गाइस, यहां पर एक और चीज नोटिस करने वाली है कि इनके जो अटैचमेंट्स है ना, जो ब्रशेस हैं या कोई भी इसका मटेरियल हुआ वैक्यूम क्लीनर का, वो काफी बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी का, काफी प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी का आपको देखने में लगेगा। और यहाँ पर आप लोगों को अलग अलग तरीके के इसमें ऑप्शंस भी मिल जाएंगे। जैसे आपको अगर इसका ब्रश नीचे का ऑन करना है तो आपको सिंपली इसको प्रेस करना है और ये बाहर की तरफ आ जाएगा। तो इस तरीके के फीचर्स आपको यूजुअली किसी ब्रांड में देखने को नहीं मिलते हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन जब आप एक्चुअल में अपना घर साफ करने लगते हो ना, तब इन चीजों की इंपॉर्टेंस इंसान को पता चलती है। सो गाइज, आप लोगों ने वीडियो में देख लिया होगा कि किस तरीके से वैक्यूम क्लीनर सफाई करता है, और इसी रीजन की वजह से हमने ये वैक्यूम क्लीनर यहाँ पर परचेज भी किया है। अगर आप लोग अपने घर की सफाई करना चाहते हो और आपको एक ऐसे वैक्यूम क्लीनर चाहिए जो एक ही बार में आप लोगों का पूरा घर कवर कर दे, किसी भी तरीके की डस्टिंग हो उसको इजीली सक आउट करे, और ड्राई वैक्यूम क्लीनर के साथ में वेट वैक्यूम क्लीनर के तरीके से भी काम करे, एक चीज हमेशा कॉन्स्टेंट रहने वाली है, वो है इस वैक्यूम क्लीनर की परफॉर्मेंस।
तो यस यू कैन डेफिनेटली कंसिडर दिस वैक्यूम क्लीनर इफ यू वॉन्ट टू यूज एनी प्रोडक्ट फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, देन ये एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट आप लोगों के लिए होने वाला है। और खास करके इसकी बिल्ड क्वालिटी से देखने से ऐसा लग रहा है कि इजीली ना इसमें कोई भी इशू आप लोगों को नहीं आया। अगर आप भी इस वैक्यूम क्लीनर को परचेज करना चाहते हैं तो इसका बेस्ट बाय लिंक मैं आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर इसको चेकआउट भी कर सकते हैं एंड परचेज भी कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, टू कमेंट डाउन बिलो। मिलते हैं इस तरीके की वीडियो में, धन्यवाद। हाँ, सब्सक्राइब भी कर देना।